हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं परतों वाली मठरी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं ये लगभग 300 ग्राम मैदा ले लिया है, 1/4 कप सूजी लिया है, बारीक वाली सूजी है। अगर बारीक वाली सूजी नहीं है आपके पास तो उसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर सकते हो। 1 टीस्पून अजवाइन लिया है, उसको हाथों से ऐसे क्रश करके अभी इसमें डाल दिया है। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहिए तो ब्लैक पेपर को क्रश करके भी डाल सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। घी से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। 2 टेबल स्पून घी डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। पूरा घी जो है मैदे में एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। घी मैंने मिक्स कर लिया है। इसको ऐसे मैदा उठा के देख रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये लड्डू बन रहा है। मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जितना रिक्वायरमेंट हो उतना मैं पानी डाल के अच्छे से कड़ा सा डो हमें तैयार करना है। बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो गीला नहीं होगा। ये देखिए हमारा डो ये इकट्ठा हो गया है। अभी इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऐसे हाथों से दबा दबा के थोड़ा सा गूंद लेना है। ये देखिए आटा हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको कवर करके 10 से 15 मिनट ऐसे में रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि जो सूजी डाला है वो सूजी भी इसमें अच्छे तरीके से फूल जाए। मैंने एक कटोरी में 1.5 टेबल स्पून घी ले लिया है। घी को गर्म करके इसी में 2 टीस्पून में मैदा डाल रही हूँ। तो इसको अभी मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसका एक पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अभी मैं आटा चेक कर लेती हूँ। वो आटे में से मैंने आधा आटा इसमें निकाल लिया है, इसे हाथों से इसे थोड़ा सा मलते हुए। इसमें मैं 5 पीस बराबर बराबर के 5 पार्ट कर देती हूँ। ये 5 पेड़े हमारे ये तैयार हो गए। तो थोड़ा सा मैदा यहाँ डस्ट करते हुए इसको मैं बेल लेती हूँ। थोड़ा सा लंबाई में बेलूंगी। ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है। बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं उसी हिसाब से पतला सा बेला है, या फिर आप जितना इसको बेल सकते हो पतला उतना पतला बेल लो। इसी तरीके से मैं 5 की 5 रोटियां पहले बेल लेती हूँ। ये हमारी 5 रोटियां बेल के तैयार हो गई हैं। ये एक रोटी मैंने फैला दिया है। मैंने जो घी और मैदे का ये पेस्ट तैयार कर लिया है इसको इसी पे डाल के फैला देती हूँ। ये ब्रश से या फिर हाथ से या फिर चम्मच की सहायता से इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे ऐसे ही। इससे क्या होगा, जो लेयर बनेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। तो ये जो हम पेस्ट बना के लगाते हैं लेयर दिखने में बहुत मदद करता है। अब इसी के ऊपर मैं ये दूसरी रोटी फैलाऊँगी इस तरीके से, और ऐसे हाथ से चारों तरफ से दबा दूँगी तो ये चिपक जाएगा। हमने पेस्ट बना रखा है, इसको फिर इसी पर फैला देना है। बहुत हल्का नहीं लगाना है, थोड़ा इसमें दिखना चाहिए तभी वो उसका लेयर दिखेगा। ये देखिए ये भी मैंने फैला दिया। इसी पर मैं ये तीसरी रोटी फैला दूँगी। इसको भी ऐसे खींचते हुए चारों तरफ ऐसे दबाते हुए जो पेस्ट बना रखी हूँ उसी को फिर से फैला दूँगी। ये अपनी मैं 5वीं रोटी भी इसी पर ऐसे फैला देती हूँ, और ये चारों तरफ से ऐसे दबाते हुए, क्योंकि अगर दबाएंगे नहीं तो इसमें एयर आ जाएगा अंदर, तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से दबाते हुए अभी इसके ऊपर मैं हल्का सा मैदा ऐसे डस्ट कर देती हूँ, इस तरीके से फैला दूँगी। इसको उठा के दूसरी तरफ रख दूँगी और दूसरे साइड भी थोड़ा सा मैदा डाल देती हूँ। इस तरीके से फिर से एक बार दबा देती हूँ ताकि कहीं से खुला ना रह गया हो। इसको थोड़ा सा मैं हल्के हाथ बेलन ऐसे घुमा दूँगी तो एकदम से ये सेट हो जाएगा। जो भी मैंने परतें लगा रखी हैं सारी परतें इसकी सेट हो जाएंगी। किसी भी साइड से आप फोल्ड कर सकते हो, ऐसे दबाते हुए करेंगे ताकि इसमें कोई एयर ना आ पाए। इसको मैं ऐसे रोल कर लेती हूँ। अगर आपको बहुत छोटे छोटे बनाने हैं तो इसको और बड़ा रोल कर लीजिए, नहीं तो इतना काफ़ी है ये। अब इसको मैं साइड से काट के निकाल देती हूँ। अब इसके छोटे छोटे मैं पेड़े काट लेती हूँ। ये देखिए इसके मैंने छोटे छोटे पेड़े काट लिए हैं।
अब इसकी जो ये देखिए ये परतें दिख रही हैं, बस इसको हमें ऐसे ही दबाना है कि जो परतें दिख रही हैं यही है परतें वाली मठरी। कोई भी उठा के आप देख लीजिए, इसके बीच में एकदम परतें दिख रही हैं, तो इसको ऐसे हाथों से दबा देती हूँ। तरीके से मैंने इसको पेड़े को बना लिया है। अभी बेलन चला दूँगी, ये देखिए इस तरीके से ये हमारी मठरी बनके तैयार हो गई। अभी मैं इसको ऐसे बेल बेल के इसको फ्राई कर लेती हूँ। तीप में ये तीसरी रोटी फैला दूँगी। ऐसे बीच से इस तरीके से कट करूंगी, इसको इस तरीके से पकड़ के, और ये जो लंबा वाला पीस है इसको ले आके ये देखिए साइड में से घुमा देंगे। और आप चाहिए तो यहाँ पानी लगा के चिपका दीजिए, या फिर एक लौंग ऐसे ही इस तरीके से कुछ मठरी में बना लूंगी। एक मैं पानी की सहायता से भी बनाती हूँ। ये छोटा साइड ये अंदर ले गया, बड़ा साइड वाला पीछे से इस तरह इधर ले आएंगे पीछे साइड। थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी लगा देंगे और ऐसे पकड़ के इसको हम दबा देंगे इस तरीके से, तो ये पानी की सहायता से भी बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये भी मठरी बन के तैयार हो गया है। इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। मठरी को फ्राई करने के लिए मैंने तेल रख दिया है। तेल को हल्का गर्म होने देती हूँ। एक छोटा सा पीस ऐसे डालूँगी। मैदा हमारा हल्का सा ऊपर आ रहा है, पूरे स्पीड पर नहीं आ रहा है, तो बस हमें इतना ही तेल गरम चाहिए। तो अभी गैस को मैं बिल्कुल स्लो टू मीडियम पे रख देती हूँ, और जो मठरी मैं बेल ली हूँ इसको एक एक करके डाल देती हूँ। मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अभी ऐसे मैं इसको स्लो टू मीडियम पे पकने देती हूँ, 2 से 3 मिनट पक जाने देती हूँ। तेल में ऊपर फ्लोट करने लगेगी, फिर मैं इसको उलट दूँगी। देखिए सारी मठरी हमारी ऊपर फ्लोट करने लगी है, तो इसको मैं उलट देती हूँ इस तरीके से, दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक पका लेती हूँ। देखिए मठरी हमारी क्रिस्पी हो गई है, इसको मैं ऐसे करके निकाल लेती हूँ। मैं बाकी के डाल देती हूँ, ये वाला डाल देती हूँ, इसको भी ऐसे पकने देती हूँ। देखिए ये भी ऊपर आ गई है, इसको भी मैं ऐसे एक बार घुमा के चला देती हूँ, तो दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ही पक जाएगा। इन मठरियों को तलने में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाता है, क्योंकि स्लो टू मीडियम गैस पे हमें पकाना है। अगर हम तेज़ गैस करके पका लेंगे तो ऊपर ऊपर तो पक जाएगा लेकिन नीचे कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए स्लो टू मीडियम पे ही पकाना है। ये मठरी भी हमारी देखिए गोल्डन क्रिस्पी हो गई है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये हमारी 2 डिज़ाइन में मठरी बन के तैयार हो गई है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है, ये देखिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।